हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं भारतीय नौसेना के लिए और स्पेशली सबमरीन हंटिंग के लिए बनाए जा रहे एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट के बारे में। भारतीय नौसेना के लिए इस वक्त 16 शिप बनाए जा रहे हैं जिनमें से 8 GRSE और 8 कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जा रहा है और ये सभी शिप इंडियन नेवी को साल 2026 तक डिलीवर कर दिया जाएगा। इन 16 शिप में से इस वक्त 2 शिप ऑलरेडी लॉन्च कर दिए गए हैं और 4 शिप की मेटल कटिंग भी जारी है, लेकिन क्योंकि ये सभी शिप कॉर्वेट्स की कैटेगरी में आता है इसीलिए आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंडियन नेवी की कॉर्वेट फ्लीट कितनी बड़ी है। इस वक्त इंडियन नेवी की कॉर्वेट फ्लीट में टोटल 19 शिप है जिनमें कमोर्ता क्लास की कॉर्वेट सबसे लेटेस्ट कॉर्वेट है और इंडियन नेवी द्वारा ऐसे 4 शिप को ऑपरेट किया जाता है। कोरा क्लास की भी 4 कॉर्वेट को इंडियन नेवी ऑपरेट करती है, खुकरी क्लास में 3 शिप ऑपरेट करती है, वीर क्लास में 7 कॉर्वेट ऑपरेट करती है और अभय क्लास की 1 शिप को इंडियन नेवी ऑपरेट करती है। इनमें से जो कमोर्ता, कोरा, खुखरी और वीर क्लास की कॉर्बेट्स हैं इसे इंडिया में ही बनाया गया है, वहीं जो अभय क्लास की कॉर्बेट है इसे सोवियत यूनियन से लिया गया था और न्यू कॉर्बेट इसी अभय क्लास की कॉर्बेट को रिप्लेस करेगी। तो अगर हम इस कॉर्बेट के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये न्यू कॉर्बेट डिस्प्लेसमेंट के मामले में बाकी के कॉर्बेट से आधे से भी कम है, यानी कि इस कॉर्बेट का डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 700 टन का है, जबकि भारतीय नौसेना के पास मौजूद कॉर्बेट का डिस्प्लेसमेंट जो कि सबसे लेटेस्ट है वो 3300 टन का है। और इतने टन के कैटेगरी में तो कई नौसेना की फ्रिगेट भी आती हैं, लेकिन ये जो न्यू कॉर्बेट बनाए जा रहे हैं ये लाइट वेट तो हैं ही, साथ में इसे स्पेशली चाइनीज सबमरीन को काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। वहीं सबमरीन को काउंटर करने के अलावा ये क्राफ्ट सब सरफेस सर्विलांस, सर्च एंड अटैक मिशन और नेवी और एयरफोर्स के नेवल एयरक्राफ्ट के साथ मिलकर एंटी सबमरीन ऑपरेशन करने में भी सक्षम है। इसके अलावा माइन लेइंग, सर्च एंड रेस्क्यू और एनिमी एयरक्राफ्ट के अगेंस्ट डिफेंस भी प्रोवाइड करने में सक्षम है। अगर इस शिप की बात करें तो इस शिप की लेंथ 77 मीटर, बीम 11 मीटर और ड्रॉट 3 मीटर की है। इस शिप को वाटर जेट प्रोपल्शन से इक्विप्ड किया गया है और ये पहली बार है जब इंडियन नेवी के इतने बड़े शिप को वाटर जेट प्रोपल्शन से इक्विप्ड किया गया है। वाटर जेट प्रोपल्शन होने के कारण इस टाइप के वेसल आवाज नहीं करती, जिसकी वजह से इसे द साइलेंट शिप का नाम भी दिया गया है। इसके अलावा इसके डिजाइन को भी स्टेल्दी बनाया गया है, जिसके तहत इसके रडार क्रॉस सेक्शन, अकॉस्टिक सिग्नेचर और इंफ्रारेड सिग्नेचर को भी काफी कम रखा गया है। इस सैलोक्राफ्ट वेसल को 1 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 2 सेट लाइटवेट टॉर्पीडो ट्यूब लॉन्चर और एडवांस लाइटवेट टॉर्पीडो से लैस किया गया है। साथ में इसके अलावा एंटी सबमरीन माइंस को लेआउट करने के लिए इसे माइन रेल से भी इक्विप्ड किया गया है। वहीं प्राइमरी एंटी सबमरीन वेपन के अलावा इसे 1 नेवल गन और 2 12.7mm M2 स्टेबलाइज्ड रिमोट कंट्रोल गन से भी इक्विप्ड किया गया है। तो इस कैटेगरी के सभी शिप मिलने के बाद भारतीय नौसेना के पास टोटल 20 के नंबर में लेटेस्ट कॉर्बेट मौजूद होंगे, वहीं बाकी के 14 पुराने कॉर्बेट्स इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होंगे, जिससे 2026 तक भारतीय नौसेना के पास टोटल 35 के नंबर में कॉर्बेट की फ्लीट हो जाएगी, जो कि चाइनीज नेवी के पास मौजूद 72 कॉर्बेट्स का आधा है और ये एक डिसेंट नंबर है चाइनीज नेवी के कॉर्बेट फ्लीट को काउंटर करने के लिए और ओवरऑल इंडियन नेवी इससे आत्मनिर्भरता पर भी फोकस कर रही है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।